तो मैं देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंच रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत करना चाहेंगे। अनिल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे हैं स्लम एरिया में, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? ओवर टू यू अनिल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे पंचकूला में, ये खड़क मंगोली बस्ती है, ये एक स्लम बस्ती है। मुख्यमंत्री यहां पर जो पुनर्वास योजना कैसी हो सकती है उसका जायजा मुख्यमंत्री यहां पर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री साहब के साथ में जो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है वो साथ में मौजूद हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं HSVP के वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है कि जो ये खड़क मंगोली बस्ती है, स्लम बस्ती है, यहाँ पर जो पुनर्वास है, पुनर्वास योजना किस तरीके से हो सकती है, जो स्लम बस्ती में जो लोग रह रहे हैं उनको किस तरीके से यहाँ से पुनर्स्थापित किया जा सकता है, उनके लिए यहाँ पर क्या योजना हो सकती है, उनके लिए यहाँ पर फ्लैट की योजना पॉसिबल रहेगी या कोई प्लॉट की, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अंत्योदय की भावना के तहत सभी को यहाँ पर घर मुहैया कराया जाए, हर गरीब व्यक्ति को छत मिले। इसी को लेकर मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर जो जायजा है जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जो अधिकारी है अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से जायजा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुनर्वास कैसे हो सकता है गरीब लोगों का, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं ये संभावनाएं यहाँ पर किस तरीके से हो सकते हैं उन संभावनाओं को तलाश रहे। आप देख सकते हैं कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी साथ में मौजूद है, क्योंकि स्पीकर साहब का विधानसभा क्षेत्र है पंचकुला, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुनर्वास योजना कैसी होगी, और मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि पंचकुला को स्लम फ्री करना है। पंचकुला में मुख्य तौर पर 3 बड़ी स्लम बस्तियाँ हैं, तो ऐसे में पंचकुला को स्लम फ्री कैसे किया जाए, इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर स्लम बस्ती में पहुँचे। और बड़ी बात अपने आप में है मुमताज की, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर इस बस्ती का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर संभावनाएं तलाश रहे हैं कि पुनर्वास योजना कैसे हो सकती है। और ये जो मेरे सहयोगी यहाँ की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूर दूर तक जो ये स्लम बस्ती है यहाँ पर की जो ये खाली जगह पड़ी है, यहाँ पर किस तरीके से जो एक गरीब लोग हैं जो स्लम बस्ती में रहते हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर छत मुहैया कराई जा सकती है, इनको जो छत मुहैया कराई जाएगी वो कैसे कराई जा सकती है, उनको प्लॉट या घर दिए जा सकते हैं या उनके लिए कोई सोसाइटी बनाई जा सकती है जिसमें उनको घर मिल सके। और कहना कि मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत करें, HSVP के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं साथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ पे मौजूद हैं, कि किस तरीके का प्लान यहाँ पर हो सकता है, किस तरीके से गरीब लोगों का पुनर्वास हो सकता है, उसी के तहत कहना कि मुख्यमंत्री यहाँ पर जो अधिकारी हैं अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो HSVP के जो डायरेक्टर हैं TL सत्यप्रकाश वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री कहना कि देखिए अधिकारियों से भी जवाब तलब कर रहे हैं कि किस तरीके की जो योजना है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। खुद मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जो TL सत्यप्रकाश हैं अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं, और किस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि जो पंचकुला में 3 मुख्य तौर पर स्लम बस्तियां हैं, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जो सरकार है जो यहाँ के स्थानीय विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता वो भी कह चुके हैं कि पंचकुला को स्लम फ्री करना है। स्लम फ्री करने की कवायद में एक बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर खाली लैंड पड़ी है इस खाली लैंड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, खाली जगह पर जो गरीब लोग हैं जो स्लम बस्तियों में रहते हैं उनके लिए यहाँ पर प्लॉट बनाए जा सकते हैं, फ्लैट होंगे, किस तरीके से उनका यहाँ पर जो पुनर्स्थापन है पुनर् किया जा सकता है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री लगातार आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो अधिकारी से बात कर रहे हैं, पुनर्वास की क्या योजना रहेगी उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। खुद जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं, और एक बड़ा कदम यहाँ पर रहेगा अगर पंचकुला को स्लम फ्री किया जाता है तो कहना कहें फिर जो बड़े हरियाणा के मेट्रो सिटी है, चाहे गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, क्योंकि फरीदाबाद में भी काफ़ी जो स्लम बस्तियां हैं और फरीदाबाद में जो स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की जो तादाद है संख्या वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, तो ऐसे में उसी के अनुरूप ये मुख्यमंत्री कहने की संभावनाएं तलाश रहे। और ख़ासतौर से कल जब से बजट सत्र शुरू होगा 23 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश का बजट पेश करेंगे, उस कड़ी में भी अपने आप में ये चीज़ें अपने आप में ही अहम हो जाती हैं कि किस तरीके से बजट में गरीब लोगों के लिए मुख्यमंत्री क्या कुछ रखते हैं, हर व्यक्ति को घर मिले। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि अंत्योदय की भावना के तहत जो गरीब व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, उस तक पहुंचना सरकार का प्रथम लक्ष्य है कि गरीब व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए,
हर गरीब व्यक्ति का किस तरीके से विकास किया जाए अंत्योदय की भावना के तहत, उसी कड़ी में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अभी तक दिखा रहा कि खबरें अब तक पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये जो तस्वीरें हैं कि मुख्यमंत्री किस तरीके से यहां पर अंत्योदय की भावना के तहत जो स्लम एरिया है, स्लम फ्री कैसे करना है पंचकूला को, उसी कड़ी में मुख्यमंत्री यहाँ पर जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो HSVP के जो डायरेक्टर हैं TL प्रकाश, वो यहाँ पर मौजूद है। पंचकूला के जो स्थानीय अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है। HSVP के जो दूसरे अधिकारी वो यहाँ पे मौजूद हैं। और स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र है उस नाते वो भी यहाँ पे मौजूद है। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का आज का दौरा है अपने आप में एक अहम दौरा है, जब मुख्यमंत्री खुद एक स्लम बस्ती का दौरा कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री यूँ तो जो कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी रिपोर्ट अधिकारियों से भी ले सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री का खुद स्लम बस्ती में पहुंचना मुमताज अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। खुद जब मुख्यमंत्री स्लम बस्ती में पहुंचे हैं तो यहां पर जो खाली जगह पड़ी है, खाली जगह का किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जो गरीब लोग हैं जो स्लम बस्ती में रह रहे हैं उनके लिए किस तरीके से पुनर्वास की योजना रह सकती है, फ्लैट ठीक रहेंगे या किस तरीके से उनको घर बनाकर सरकार की तरफ से देना है, किस तरीके कितना साइज रहेगा, इसी कड़ी में कहीं ना कहीं जो ये मुख्यमंत्री का दौर है काफ़ी स्लम एरिया में इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद है और यहाँ पर जायजा लेते हुए भी वो नजर आ रही हैं। जाना चाहेंगे पंचकुला का जो स्लम एरिया है उनको स्लम फ्री करना कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पंचकूला की अगर बात करें, पंचकूला में मुख्य तौर पर जो तीन बड़ी कॉलोनियां हैं, तीन बड़ी स्लम बस्तियां हैं, और पंचकूला को भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि स्लम जो बस्तियां होती हैं उसमें जो आबादी होती है, तादाद होती है रहने वाले लोगों की, अपने आप में एक बड़ी आबादी बन जाती है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी लगातार कहते रहे हैं कि पंचकूला को स्लम फ्री किया जाएगा। उसी कड़ी में कहीं ना कहीं जो तीन बड़ी बस्तियाँ हैं, जिस एक बस्ती में खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, अधिकारियों से जो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं सारे बातचीत अधिकारियों से कर रहे हैं, निर्देश अधिकारियों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं, अगर पंचकूला को स्लम फ्री किया जाता तो फिर सरकार के सामने खासतौर से फरीदाबाद और गुरुग्राम रहने वाले हैं। क्योंकि अगर फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद में स्लम बस्ती ज़्यादा है, गुरुग्राम में भी बड़ी तादाद है ऐसी बस्तियों की, तो ऐसे में कहना कहें फिर अगर इस शहर को, पंचकूला को अगर स्लम फ्री किया जाता तो अपने आप में बड़ी बात होगी। जी चलिए अनिल, आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।